हेलो गो, वेलकम टू योर ऑन चैनल फूडीज किचन बाय सिद्रा। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी किस्म के चिकन एंड वेजिटेबल सैंडविचेस। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सैंडविचेस बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को चाहिए होगा चिकन, जो मैंने हाफ के जी लिया है। इसमें डाल रही हूँ मैं पेपरिका पाउडर आधा खाने का चम्मच, धनिया पिसा हुआ और ज़ीरा आधा खाने का चम्मच। इसके बाद जी आधा खाने का चम्मच ही हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन पाउडर। पेस्ट शामिल करना है तो आप एक खाने का चम्मच ऐड कर दें। अब जी दो खाने के चम्मच इसमें डालेंगे हम लोग सिरका और दो खाने के चम्मच ही इसमें ऐड करेंगे हम सोया सॉस। नमक एज टू टेस्ट या आधा खाने का चम्मच। अब हम जी इसको मिक्स करके 1 आवर के लिए मैरिनेशन इसकी करने के लिए साइड पे रख देंगे। 1 घंटे तक ये मैरिनेट हो जाएगा। तो जी पैन में करेंगे हम लोग ऑयल को गरम। थोड़ा सा ऑयल डाल के हम चिकन को इसमें अच्छे से भूनेंगे, भून के फिर इसको गला लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। चम्मच चलाते जाएंगे तो जी चिकन जो है तकरीबन गल चुका है। बहुत जूसी रखना है हमने इसको। थोड़ा सा जी मैं इसमें पानी डालूंगी इसको मजीद कराने के लिए। 2 से 3 सिप पानी डाल के हम लोगों ने इसको गलाना है। बस पानी के खुश्क होने तक हम लोग जो है फ्लेम ऑन रखेंगे इसका। जैसे ही पानी खुश्क होगा ये ऑलमोस्ट रेडी होगा। पानी खुश्क हो गया है, चिकन रेडी हो चुका है। फ्लेम ऑफ कर देंगे इसका। मैं दिखा देती हूँ आपको से गल चुके हैं। अब जी पैन को गरम करेंगे, थोड़ा सा उसमें ऑयल डालेंगे। 3 अंडे हम लोगों ने अच्छे से बीट कर लेने हैं अंडे फेंट के, और थोड़ा थोड़ा पैन में डाल के हम उसको बनाते जाएंगे। प्लेन ऑमलेट बनाना है इसका। इसी तरह हम लोग जितने बन सकेंगे 3 अंडों के वो बना लेंगे। अब जी हमारे पास मौजूद है सलाद में जो है बंद गोभी, चिकन भी रेडी है,
अंडे फ्राई कर लिए हैं, टमाटर, खीरे और प्याज, प्याज काट के हमने सिरके और नमक के साथ धो लेने हैं अच्छे तरीके से जी। तो करना हमें ये है कि हम लोगों ने थोड़ी सी ले लेनी है मायो एक प्याली में, उसमें डाल लेना है एक खाने का चम्मच केचप का और एक खाने का चम्मच ही हम उसमें ऐड कर लेंगे चिली सॉस का। तो जी हमारी सॉस बन जाएगी सैंडविचेस की। सॉस लगा के हम लोगों ने चिकन की ऊपर एक लेयर लगा देनी है और चिकन की लेयर लगा के हम लोग अंडे की लेयर लगा देंगे। एक स्लाइस रखेंगे ऊपर, स्प्रेड कर देंगे सॉस को और फिर सलाद की तह लगा देंगे। सलाद का पत्ता और बंद गोभी जो है वो टोटली ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो आप करें, कुछ में मैं ऐड करूँगी और कुछ में मैं ऐड नहीं करूँगी। अब जो हमने दोनों साइडों से इसको गरम कर लेना है, थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे ताकि क्रिस्पी हो जाए, जब तक मैं दूसरा बना रही हूँ। तो जी सैंडविचेस जो हैं वो हमारे रेडी हो रहे हैं, एक रेडी हो चुका है। So viewers, here is a super tasty and yummy sandwiches you can have at tea time. Do try this recipe and share your valuable feedback in the comments below. I'll be waiting for your feedback. Mujhe dhir se dua mein yaad rakhein, hazir hoti rahungi nayi recipes ke saath. Chal den, Allah Hafiz, take care.